वेलकम टू माई चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ इंडियन फेस्टिवल स्पेशल बहुत ही कम इंग्रेडिएंट से बनाने हुए एक डेजर्ट की रेसिपी जो है मालपुआ। और इसके लिए बहुत ही कम सामग्री हम लोगों को लगता है। ये मालपुआ आप लोग कोई भी इंडियन फेस्टिवल होली दिवाली सभी पे आप लोग खा सकते हो। और इसके लिए जो भी मेन इन्ग्रीडियंट है मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। ये मैंने लिया है एक कटोरी चूजी जो रावा है, हाफ कटोरी मैंने लिया है सुगर, थोड़ी कुटी हुई ड्राई फ्रूट जिसमें किशमिश आलमंड और ब्राइट डेट्स हैं। उसके बाद एक अंडा मुझे चाहिए जिसको मैंने तोड़कर ऐसे रख दिया है। और उसके बाद इसको तलने के लिए चाहिए मुझे रिफाइंड वेजिटेबल ऑयल्स। अभी मैंने फर्स्ट एक बड़ी कटोरी लिया है, देखिए आप लोग इसमें सभी इंग्रेडिएंट्स को मुझे अभी मिलाना है। फर्स्ट जाएंगे जो वन कटोरी यानी वन बाउल सूजी थी उसको मैं डाल देती हूँ। उसके बाद जाएगी फोर टेबलस्पून सुगर। आप लोग सुगर की आप लोग जितना खाते हो मीठा उतने हिसाब से आप लोग डाल सकते हो सुगर। मैंने फोर स्पून डाल दिया है। उसके बाद जाएगी जो मैंने रखा था अंडा और लास्ट में जाएगी ये कटी हुई ड्राई फ्रूट। अभी सभी सामग्री को मैंने अच्छी तरह से मुझे मिक्स करना है ताकि कोई भी लम्स ना रह जाए। देखिए मैंने सभी सामग्री को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है और अभी इसको ये थोड़ा ड्राई हो रहे हैं इसीलिए मैं इसमें थोड़ी वाटर डाल दूंगी, ज्यादा नहीं बहुत ही कम। आप लोग वाटर की जगह मिक्स मिल्क भी डाल सकते हो। फिर से इसको मैं अभी अच्छी तरह से मिला रही हूँ। और इसमें अगर आप लोग कार्डमम की जो पाउडर है वो मिलाते हो तब भी फ्लेवर बहुत ही अच्छा आते हैं। देखिए आप लोग बहुत अच्छी तरह से मैंने इसको फेंट लिया है। अभी इसको मैं ढक कर ऐसे ही आधे घंटे के लिए रख देती हूँ ताकि जो सूजी है यानी मेरी रावा है वो अच्छी तरह से फूल जाए। हाफ एन आवर के बाद देखिए मेरी जो मिक्स थी सूजी और एग की मिक्स थी वो बहुत ही अच्छी तरह से फूल गई है और ये तलने के लिए बिल्कुल ही रेडी है। अभी मैंने कढ़ाई में तेल गरम कर लिया है। देखिए फर्स्ट मैं वन स्पिन देके उसको देखती हूँ कि तेल अच्छी तरह से गरम हो गई है कि नहीं। देखिए बहुत अच्छी तरह से ऊपर से ये ऊपर में उठ गई है, इसका मतलब तेल अच्छी तरह से गर्म हो गई है। अब मैं एक एक करके मेरी मालपुआ को तल लेती हूँ। देखिए अभी मालपुआ की कलर पूरा अच्छी हो गई है। और इसको हमेशा आप लोग मीडियम फ्लेम पे ही तलना चाहिए। ये बाहर से बहुत ही क्रिस्पी दिख रहे हैं, देखिए आप लोग।
और इसमें मैंने कोई भी बेकिंग सोडा बेकिंग पाउडर यूज नहीं किया था, मगर बहुत अच्छी तरह से फूल गई है। अब मैं इसको रखकर नेक्स्ट बैच बिठा देती हूँ। हो गई है मेरी फेस्टिवल स्पेशल गर्मा गर्म और बहुत ही टेस्टी मालपुआ की रेसिपी। आप लोग बाहर से जितना भी क्रिस्पी देख रहे हैं, अंदर से वो उतना ही नरम है, देखिए आप लोग, और खाने में भी बहुत ही टेस्टी है। और इसको आप लोग फ्रिज में 1 वीक के लिए प्रिजर्व भी कर सकते हो, तब भी ये खराब नहीं होता। तो कैसा लगा मेरी ये टेस्टी सी मालपुआ की रेसिपी, जो आप लोग कोई भी इंडियन फेस्टिवल में बना के खा सकते हो, कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर मेरी ये रेसिपी को अच्छा लगता है तो और भी आगे से भी ऐसे नई नई रेसिपी देखने के लिए और मेरी ब्लॉग्स देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब शेयर और लाइक करना ना भूलिए। तो फिर मिलती हूँ मेरी एक नई ब्लॉग और रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, स्टे हैप्पी एंड स्टे हेल्दी।